question? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिन बाद वीडियो कर रही हूँ क्योंकि बस थोड़ी सी मसरूफियत थी, कुछ बच्चों के स्कूल के इश्यूज थे और कुछ घर की रूटीन ऐसी हो गई। आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। मेरे घर में आज बॉयज़ कुकिंग डे था और आज स्पेशली मार्केट गए और ये जाकर बट कढ़ाई लेकर आए हैं, स्पेशली वो कढ़ाई जिसके अंदर बट वाले कढ़ाई बनाते हैं। और जनाब मेरे घर में बन रही है बट से भी ऊपर के लेवल की कढ़ाई। तो ये लोग बना रहे थे, आई किचन में भागो यार, जाके बनाओ, कैमरा उठाओ और बनाओ इनकी वीडियो। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी तो हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साहब जो कुकिंग कर रहे हैं ये अपनी रेसिपी हरगिज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते, इवन मेरे साथ भी नहीं करते। लेकिन 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 मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर भी है ना, कॉपी कैट ब्लॉगर भी करेगी ज़बरदस्त सी कॉपी और आपको खुद सिखाएगी ये रेसिपी। तो अभी तो मैं मज़े ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई बंदा काम कर रहा होता है और हम मज़े से बैठ के उनको देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें कहा जाता है अरे यार दो मिनट में ये काम हो जाता है, दो मिनट में ये चीज़ कुक हो जाती है, दो मिनट में खाना बन जाता है। तो यकीन करें, अब मैं जब ये कह रही हूँ ना कि जल्दी करें, भूख लग रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ओहो हो हो, ग्रीन चिलीज का तड़का लग रहा है, कमाल हो गया यार, सख्त भूख लगी है। और ये दही के साथ अब इसकी कर रहे हैं भुनाई और मुझे तो यहीं पे भूख से मेरा हो रहा है बुरा हाल। और सुबह नाश्ते में क्या खाया था, आई थिंक दो टोस्ट खाए थे एक अदद फ्राई एग के साथ। दही के साथ अब भुनाई चल रही है जनाब और सब भूख लगी है। और जनाब ये स्पेशल बट कढ़ाई को स्पेशल मटन बट कढ़ाई को दम लग गया है। और ये देखिए ये जो टूल है ना जिससे ये कढ़ाई को घुमाते हैं, ये भी इतना वज़नी, ये अभी अभी ख़रीद के लाए हैं। और यकीन करें ये कम अज़ कम इसका वेट हाफ केजी होगा, हाफ किलोग्राम, मुझसे तो ये उठाया भी नहीं जाएगा। खैर ढक्कन इन्होंने उठाया है, अपनी ये कढ़ाई का घूंघट उठाया है और यार कमाल मसालेदार किस्म की खूबसूरत ब्राइडल गाइस ये फाइनली टच दे रहे हैं अपनी कढ़ाई को इस मक्खन के साथ। और इनका आज हमें मारने का इरादा है यार, भूख भी कमाल की लगी हो और ऊपर से खुशबू भी कमाल की फैली हो पूरे घर में। और जब मक्खन का तड़का लगता है तो खुशबू वैसे ही बहुत ज़बरदस्त फैल जाती है। ये जा रहा है हरा धनिया और जिंजर, जो कि यकीनन आपको नज़र आ गया होगा कि ये आपकी ब्लॉगर भी नहीं काटा है, आपको मेरी कटिंग नज़र आ रही है, वैसे ये भी काट सकते हैं वैसे ये प्रॉपर अपना मूड हो तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खैर ये मैंने काटा है। और वैसे इनका डे था और रायता चटनी भी सब कुछ इनको बनाना चाहिए था, लेकिन चलो खैर है वो भी मैं बना दूँगी क्योंकि भूख लगी है यार, सब भूख लगी है। और फाइनली 10 मिनट में ये हम खाने वाले हैं यकीनन, ये इसको लास्ट हम लगाने वाले हैं। चलो और ये देखें जी टेंडड़े ज़बरदस्ती मटन कढ़ाई, मटन बट कढ़ाई नेक्स्ट लेवल की, जो कि मैंने नहीं बनाई और ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने और मैं सिर्फ यम यम करके खाने वाली हूँ। तो चलते हैं टेबल पे, लेके चलते हैं इस कढ़ाई को। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, बहुत जल्द ब्लॉगर भी कॉपी कैट आपको इसकी रेसिपी शेयर करेगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।